ओम वंदे गौ मातर। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा अर्चित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का पठन कर रहे हैं। हम दसम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में चल रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो श्रापित हो जाते हैं उनको मुक्ति दिलाने के लिए उनके भीतर भक्ति जगाएं ताकि उनकी वासनाएं समाप्त हो पाएं और वो ब्रह्मचर्य क्या उसको समझ पाएं, क्योंकि ब्रह्मचारी जीवन जीने के बाद ही मनुष्य कुछ लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अन्यथा जीवन में कितने भी लक्ष्य बना लीजिए, यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो सारे के सारे लक्ष्य आपके धरे रह जाएंगे, आप कुछ भी नहीं जीवन में कर सकते। तो ब्रह्मचर्य का पालन हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अच्छा होता है, वही उचित होता है। तो मित्रों, कैसे ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, आदर्श ग्रस्त जीवन के लिए भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि आज हम देखते हैं संसार पतन के मार्ग पर है, क्योंकि ग्रस्त जीवन जो है वो पतित हो गया है, उसमें ब्रह्मचर्य की महिमा समाप्त हो गई है। इसलिए आजकल अवतारी पुरुष भी जन्म नहीं ले पाते, क्योंकि अवतारी पुरुषों को जब शरीर धारण करना होता है ना तो किसी माता पिता का सहारा लेना होता है, और माता पिता के लिए वैसे आदर्श दंपत्ति होंगे तभी वैसी आदर्श आत्मा को धारण कर सकते हैं, अन्यथा उनमें वो शक्ति नहीं होती है, वीर्य में वो शक्ति नहीं होती है और ना ही गर्भाशय में वो शक्ति होती है। इसलिए मित्र, यदि आप आदर्श जीवन जीना चाहें तो जी सकते हैं, और आदर्श संतान चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी संतान विश्व का कल्याण करे, अपना कल्याण करो, आपका कल्याण करे, क्योंकि अपना कल्याण करके आपका कल्याण करेगी तभी विश्व का कल्याण कर पाएगी। तो ऐसी संतान के लिए आप इस भागवत को पूरा एक बार सुनिए और उसका चिंतन करिए, मनन करिए, आप उसमें उतर पाते हैं तो पति पत्नी दोनों ही साथ में यदि पालन करते हैं तो आपकी संतान भी वैसी उत्तम होती है। तो हमने अभी तक जो कथा पढ़ी है, हम श्री कृष्ण की कथा में चल रहे थे, हमने उसमें पढ़ा कि अभी तक गोकुल लीला समाप्त हो चुकी है और वृंदावन यानी कि भक्ति के वन में अब प्रवेश लोगों ने ले लिया, यानी कि गोकुल से वृंदावन आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण। मित्रों, और हाँ, कथा यदि पूरी साथ में सुनिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डोंगरे जी की भागवत का पूरा हमने प्लेलिस्ट दे रखा है, आपको सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के रूप में साथ में मिल जाएंगे। और आप जिनकी भक्ति करते हैं उनके नाम के कमेंट करें, क्योंकि ये भी भक्ति की एक सरल विधि है। आगे बढ़ते हैं, आज की कहानी है बकासुर का वध और ऋषि शांडिल्य के परिवार का प्रभु प्रेम। ऋषि शांडिल्य का पूरा परिवार ऐसा होता है, पति पत्नी बच्चा, कि सब श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते हैं, पर वो किस अवस्था में प्रेम करते हैं वो समझने लायक है, क्या क्या होता है वो समझने लायक है। जीव कृष्ण 11वें अध्याय में वत्सपाल हैं और आगे गोपाल हैं। वत्सपाल यानी कि बछड़ों के साथ खेलने वाले, बछड़ों को पालने वाले, ऐसा मान सकते हैं वत्सपाल यानी कि बछड़ा, और क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों के साथ हो सकते हैं। और उसके बाद वो गोपाल बने हैं, कभी कभी वंशी बजाकर तथा भांति भांति के खेल रचकर गोप बालकों को वे आनंद देते थे, क्योंकि मनोरंजन करने में कन्हैया सबसे आगे और हर तरीके से करने में आगे, कोई रूठ है उसको मना लेंगे और कहीं किसी से रूठ के बैठ जाएंगे, सारी चीज़ें उनको आती थी। जीव मात्र तो कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान, जीव मात्र को श्री कृष्ण की बांसुरी की मधुर तान पुकारती है, किंतु मोहक विषय में फंसा हुआ जीव वंशी की पुकार को सुन नहीं पाता है। यमुना अर्थात भक्ति के किनारे दो बाधाएं उपस्थित होती हैं, एक है वत्सासुर अर्थात अज्ञान और अंधश्रद्धा। जी हाँ, अंधश्रद्धा और अज्ञान, श्रद्धा और अंधश्रद्धा में थोड़ा सा भेद होता है, बस उसी में मनुष्य फंस जाता है। और दूसरी है बकासुर अर्थात दंभ। दंभ क्या है, कैसे है बकासुर? बगुला दंभ का प्रतीक है, बग भक्त अर्थात दंभी व्यक्ति, कहते हैं ना बगुला भगत है ये, तो एक टांग पे खड़ा होकर भक्ति करने का ढोंग कर रहा है पर वो मछली का शिकार करने के लिए बैठा हुआ है, तो ये दंभ वाली भक्ति होती है, वो बगला भक्ति कही जाती है। भक्ति के किनारे दंभ आ बसता है, उसकी घात में मत फंसना, दंभ के समान कोई पाप नहीं है, अन्य पापों के लिए प्रायश्चित किया जा सकता है, दंभ के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। जिसका बाहरी चोला तो अच्छा हो किंतु अंतर तथा करनी मैली हो वही बकासुर है। बगुले की चोंच में लोभ है, कीर्ति और धन का लोभ अपने साथ दंभ भी लेकर आता है। यमुना भक्ति के किनारे बगुला दंभ के आते ही सारा खेल बिगड़ जाता है, और भगवान ने वत्सासुर और बकासुर का वध किया है। इन दोनों का वध भगवान करते हैं, कैसे करते हैं उसका वर्णन आता है। एक बार श्री कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ वन में बछड़े चराते हुए खेल रहे थे, उन बालकों के सद्भाग्य का वर्णन किया किन शब्दों में किया जा सकता है, क्योंकि जो श्री हरि के साथ श्री कान्हा के साथ खेल रहे हैं,
जिनको श्रीहरि के साथ खेलने का सुअवसर मिला है वो तो अत्यधिक भाग्यवान ही होंगे। जिनके दर्शन के लिए योगी ऋषि मुनि तरस रहे हों उसी परब्रह्म के साथ गोप बालक खेल रहे हैं। सभी बालक खेल कूद में लगे हुए थे। इतने में वहां अघासुर आया और कंस ने उसे भेजा था। वह बकासुर और पोतना का छोटा भाई था। जहां अज्ञान और दंभ हो वहां पाप आ धमकता है। अघासुर अजगर का रूप लेकर आया था और सभी गोप बालक को निगल जाने की इच्छा से मार्ग में सो गया था। उसके खुले हुए विशाल मुख को उन लोगों ने पर्वत की गुफा मान लिया। मतलब इतना बड़ा मुंह था कि पर्वत की गुफा बालकों ने मानी कि पर्वत की गुफा है, इसमें घुस जाते हैं और वो घुस जाते हैं और उसमें प्रवेश करने की विचार किया। उन्होंने कन्हैया से कहा, यदि तू भी हमारे साथ आए तो हमें भय नहीं लगेगा। अजगर के मुख में घुसे और गोप बालक अपने आप बाहर निकल नहीं पाते। श्री कृष्ण की ही उनको बाहर निकाल सकते हैं। पाप के अघासुर के उदर में पहुंचा हुआ व्यक्ति अपने आप बाहर नहीं निकल सकता। कोई बाहर का पुण्यशाली संत या प्रभु ही उसे बाहर खींचकर निकाल सकते हैं, क्योंकि पाप का भी तो पाप का घड़ा होता है ना पेट। वो पाप और सांप एक समान है। सांप द्वारा काटे जाने पर यदि उस अंग को शीघ्र ही काट दें तो उसका विष सारे शरीर में नहीं फैल पाता। इसी प्रकार पाप का विचार आते उसी समय उसी क्षण उसे नष्ट कर दें तो बच जाओगे। सांप के विष की भांति यदि पाप का भी कुछ समय के लिए भीतर रह जाए तो वह उस व्यक्ति का बचना कठिन कर देता है। यानी कि पाप विचार होता है पहले, पर यदि उस पर लग गए तो अच्छे भलों की मति भ्रष्ट हो जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। जैसे हमने राम अवतार में पढ़ा था कि मंथरा जो है ना, मंथरा एक विचार देती है उससे पूरा कुल खानदान मतलब 14 वर्ष को राम को वनवास सब चीज़ें हो जाती हैं। पर वही है, एक को विचार आया था कि कहीं भरत का अधिकार ना ले ले, हमें कह कह को लगता है कि मुझे कहीं देश से ना निकाल दे वगैरह वगैरह। तो सारी बातें उसमें होती हैं, जब विस्तार से जाओ तो सारी बातें भी पता चलती हैं। पाप का चिंतन करने से वह जम जाएगा। पाप धरती से आकाश तक व्याप्त है। अघासुर का होठ धरती पर था और दूसरा आकाश तक पहुंच गया था। मन संग संग चलता है, अतः पाप को तो तुम्हारे साथ वन पर्वत या जहां भी जाओगे वहां वहां साथ में ही जाएगा। वासना के प्रभाव में बहा जा रहा जीव अंतरात्मा के मना करने पर भी पाप करने लग जाता है, क्योंकि कई बार हमारा मन कहता है ये नहीं करना चाहिए। अक्सर भोजन करने में तो होता ही है, खाऊं कि नहीं। अब जब बान मैं आ गया खाऊं कि नहीं, खाने की जब जब आवश्यकता थी तब तक तो खाना चल रहा था ना। अब जब मन में आ रहा खाऊं कि नहीं, पता है कि नहीं खाना चाहिए पर फिर भी खा लेते हैं। बस यही तो पेट के सारे रोगों का कारण होता है और यहीं से फिर सारे पेट से सारे रोग हो जाते हैं। बस और क्या होता है। तो ये जो हमारा मन नहीं मानता वो उसकी कारण ये बात कही गई है। वासना के वेग में ज्ञान बह जाता है और पाप हो जाता है। जो पाप के अजगर के उदर में चला जाता है वह बाहर आ नहीं सकता। पाप बड़ा आकर्षक होता है। पाप करने का प्रसंग आए और पापाचार किए बिना कोई चारा ही ना रहे तो भगवान को साक्षीभूत रखकर पाप करना। इसका अर्थ यह है कि पापाचार करते रहो किंतु ऐसे समय भगवान का स्मरण अवश्य करते रहना। जब तक पाप हृदय में होगा उसका नाश नहीं होगा, उसकी तो जड़ भी काटनी होगी। मतलब जो पाप हो रहा है उस समय यदि आप ईश्वर को याद करोगे ना तो पाप की मात्रा कुछ कम हो जाएगी। जैसे कभी कुछ ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है जो नहीं खानी चाहिए, जैसे बाहर का भोजन है नहीं खाना चाहिए, खाने का मन करता है। क्योंकि मेरे साथ ये होता है, कभी कभी इडली और मेंदोड़ा खाने का मन करता है तो उस समय में साल महीने दो महीने में कदबार अब होने लगा है, पर हाँ उस समय मैं याद रखती हूँ कि हाँ मुझे ये नहीं करना है। और इसलिए वो मेरा धीरे धीरे, पहले बहुत ज़्यादा अभ्यास था, बहुत ज़्यादा हफ्ते में 2-3 बार भी खा लेती थी जब उंगलियाँ ठीक नहीं थी, तो अब वो धीरे धीरे छूट गया है। तो जब वो खाने जाती थी तो याद करती थी कि नहीं खाना है, तो धीरे धीरे वो साल भर लगा पर उसमें वो अभ्यास छूट गया मेरा। आगे बढ़ते हैं। सभी क्रिया प्रकट अप्रकट शब्दोच्चारण के साथ ही होती है। पापाचार्य के पहले मन में उसका उच्चारण होते ही उसका नाश करो। पहले विचार भ्रष्ट होता है, फिर वाणी भ्रष्ट होती है और फिर आचार में भ्रष्टता आ जाती है। मन में पाप आने ही मत दो, उसे सजा दो। पाप मन में आते ही
शीतल जल से स्नान करके कीर्तन करो, प्रार्थना करो, हे प्रभु यह काम, यह वासना, यह लोभ मुझे सता रहा है, मुझे छोड़ता नहीं है, कृपा करो, मेरी सहायता करो। सच्चे हृदय की प्रार्थना वो ईश्वर अवश्य सुनते हैं। अब मैंने जो ये आपको बताया ना, मेंदू वड़ा खाने का मन करता है, वो इसलिए बताया मित्रों कि किसी और के हाथ का बना हुआ भोजन भी दूषित होता है, उसमें उसकी कैसी सोच है, कैसे विचार, वो पाप उसमें आ जाता है, इसलिए हमारा मन बिगड़ता है। उस मन को संभालने के लिए मैं कई बार ये बात आपको बता रही हूँ कि हाँ ऐसी चीज़ भी होती है। झूठ बोलना सामान्य अवस्था में मैं किसी के साथ करती नहीं हूँ, हाँ अपने निजी स्वार्थ के लिए झूठ नहीं बोलती हूँ, इतना मैंने अपने जीवन को संभाला है ऊपर वाले की कृपा से, कि उसके अलावा तो कुछ संभव ही नहीं है हमारे लिए कर पाना। आगे बढ़ते हैं। संत प्रभु नाम का उच्चारण सतत करते रहते हैं, अतः उनसे पाप नहीं किया जा सकता। अघासुर के उदर में जाते समय ताली बजाते हुए अर्थात मन को जागृत करते हुए जाओ। जाते सभी जानते समझते हैं कि असत्य बोलना, किसी को सताना, हिंसा करना आदि पाप हैं, फिर भी पाप करते ही रहते हैं। पाप को भूल से पाप को मुंह से उखाड़ फेंको। जब भी ऐसा लगे कि अपना शरीर मन पाप करने जा रहा है, तब तुरंत ही भगवान के नाम का कीर्तन करने लगो। परमात्मा को याद करते हुए पाप की वासना छूट जाएगी। पाप का स्वभाव छुड़ाने का उपाय है प्रभु की प्रार्थना, और ये बहुत ही सरल उपाय है मित्रों। हाँ समय लगता है, ऐसा नहीं कि दो दिन में आप छूट जाओगे ना, जैसे आपको अपने अपना स्वभाव बिगाड़ा है, जितने साल लगे आपको लगता है स्वभाव बिगाड़ने में, उतने महीने तो दीजिए, संभल जाएगा। कि मैंने अपने जीवन में वो चीज़ अपना कर देखी तो मैं आपको बता रही हूँ, अनुभव की बात है। प्रभु मेरी पाप वासना का नाश करो, मैंने जब पाप किया था तब आप भी वहाँ उपस्थित थे, मुझे दंड दीजिए और क्षमा भी, क्योंकि दंड देने के बाद जब दंड भुगत लेते हैं तो उसके बाद क्षमा भी हो जाती है, तो दंड दीजिए और क्षमा भी। मनुष्य स्वयं जानता तो है कि वह क्रोधी और कामी है। आजकल के लोग धन को तो अपने सीने से चिपकाए रखते हैं किंतु प्रभु को दूर ही रखते हैं। अकेले कहीं भी जाओ, ठाकुर जी को हमेशा अपने साथ रखो, यानी कि अकेले कहीं ना जाओ, ठाकुर जी को साथ रखो अकेले कहीं भी। जैसे हम तो शरीर से तो अकेले ही जा रहे हैं, पर हाँ मन में हृदय में ठाकुर जी को साथ में लेके चलो, ये वाली बात है। ठाकुर जी को अपने साथ रखने का यह अर्थ नहीं कि उनकी मूर्ति या छवि को जेब में रखकर साथ में घुमा जाए, बस उनको हृदय में बसाए रखो, उनका स्मरण रखो और वे सानिध्य का और उनके सानिध्य का अनुभव करते रहो। मित्रों मैंने ये अनुभव करके देखा है, यदि कहीं आप अकेले जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, कोई साथ में नहीं है और भय लग रहा है, उस समय अधिक कुछ मत करिए, अपनी ही कलाई पकड़ लीजिए और ये विश्वास रखिए कि कलाई आपकी ईश्वर ने पकड़ी है, देखिए दृश्य रूप में, और आप देखेंगे कि कुछ नहीं होगा, आप शांति से मन भी शांत करके निकल जाएंगे। हाँ विश्वास होना चाहिए, शंका में कभी कुछ नहीं होता। एक बार मेरे से एक भूल हो गई, मैं साइकिल खड़ी करती थी, मैं तब साइकिल चला के जाती थी, मुझे वैसे किसी के ट्रीटमेंट के लिए जाना था, तो यहाँ से साइकिल से स्टेशन और स्टेशन से ट्रेन पकड़ के मैं आगे जाने वाली थी। तो क्या हुआ, मेरी आदत थी साइकिल की जो वो थी ना ताला खोल के उसके जो ताला और चाबी दोनों टोकरी में डाल देती थी और उसके बाद वहाँ लगा के आगे निकल जाती थी, और उस चाबी में ही मेरे घर की चाबी भी थी, सारी चाबियाँ उसी में थी मेरी। और क्या हुआ कि मैं उस दिन चाबी ताला बंद करना भूल गई, और मुझे वसई स्टेशन पर उतरने के बाद याद आता है करीब 20-25 मिनट बाद कि आज मैंने साइकिल में ताला नहीं लगाया क्योंकि चाबी नहीं मिल रही है। तो बस उस समय मैंने अपने आप को थोड़ा सा बिठाया, मैं कहा वापस जाऊंगी, जो होना हो चुका है या हो जाएगा, छोड़ दो, वापस नहीं जाना है, अपना काम पूरा निपटाना उसके बाद वापस जाऊंगी, क्योंकि यदि विलम्ब करती तो वहां पहुंचने में विलम्ब हो जाएगा। मैंने बस इतना ही हाथ जोड़े और कहा सब कुछ सुरक्षित है बस और कुछ नहीं, और वापस आई तो मुझे गाड़ी की डिग्गी में वो साइकिल की टोकरी में चाबी भी मिल गई, सब हो गया, कुछ नहीं हुआ। तो ये मन का विश्वास होना चाहिए, याद आने के बाद आप व्यथित मत हो जाइए, ईश्वर है ना, विश्वास करिए सब कुछ ठीक होगा, किसी की दृष्टि नहीं पड़ेगी, आप उसको अपने मन से संभालने को बोल दीजिए, संभाल लेंगे। पर हाँ जानबूझ के भूल मत करिएगा, अनजानी भूल ऐसे हो जाती, मैंने अनुभव की बात है मेरे, ऐसा नहीं कि आपको हवे की बात बता रही हूँ, अनुभव की बात है ये। बालक जानते हैं कि कन्हैया उनके साथ होगा तो कोई डरने की बात नहीं है। कृष्ण को साथ लेकर के सभी गोप बालक नाचते कूदते अंदर चले गए, उनकी रक्षा के हेतु कृष्ण भी अघासुर के मुंह में उदर में चले गए। भागवत में समाधि भाषा का प्रयोग भी अधिक किया गया है, लौकिक और परमत भाषा गौण है, समाधि भाषा का अभ्यासी
भागवत का अर्थ समझ पाएगा। विलासी के लिए भागवत समझना कठिन है। जब नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म एक होता है तब परब्रह्म का प्रकट्य होता है। नाद ब्रह्म और परब्रह्म, नाम ब्रह्म, नाद ब्रह्म और नाम ब्रह्म। नाम यानी कि नाम जपते रहो और उसके बाद वो नाद गूंजने लगे। जैसे हम जब ओंकार का उच्चारण करते हैं ना, तो इसका जो नाद है ना आपके मस्तिष्क में गूंजते रहना चाहिए। तो ये नाम और नाद दोनों साथ में हो जाते हैं। तो ये ब्रह्म का उपासक है, ये ब्रह्म को प्रकट होने में करने में सहायता करता है। पेट में जाकर भगवान के ने विशाल रूप धारण किया तो अजगर का शरीर फट गया। पेट में जाकर ईश्वर को तो बड़ा रूप लेना ही था। अघासुर के प्राण ब्रह्मरंध्र से बाहर निकल गए। सभी बालक भी लाला के पेट से बाहर आ गए। अघ शब्द का अर्थ है पाप, अघासुर अर्थात पाप का स्वरूप। जो पाप में रममाण रखता है यानी कि वो हम उसी में बना रहता है वही अघासुर है। पाप करने में सुख मानने वाला व्यक्ति अघासुर है। रममाण का मतलब है वो पाप करने में अधिक उसको आनंद आता है। एक व्यक्ति होता है कि कुछ भूल से हो गया तो वो ठीक है, पर जिसको पाप करने में ही आनंद आता है, जैसे रावण है, कंस है, इनको लोगों को कष्ट दे के पीड़ा दे के बड़ा आनंद आता है, तो ये रममाण है, उसकी बात कही गई है। ये रममाण रहता है वो बात है, रमण करना अलग बात है और ब्रह्मांड रहना अलग बात है। कई बार पापी व्यक्ति सुखी दिखाई देता है किंतु पाप के कारण नहीं, उसके किसी पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण ही उसे वह सुख मिला हुआ है। अन्यथा पाप का परिणाम तो दुख ही है। पापी ना तो कभी सुखी हुआ है और ना ही कभी होगा। कोई पुण्यशाली दुखी हुआ दिखाई दे तो मान लेना कि उसके किसी पूर्व जन्म के पाप फल उसके सामने आ रहा है। पुण्य का फल दुख नहीं होता। पाप के जल से छूटना सरल नहीं है। पाप का भान होने पर भी मनुष्य पाप कर्म कई बार छोड़ नहीं पाता है। जब तक मनुष्य का बल बढ़ता नहीं है तब तक पाप का स्वभाव छूटता नहीं है। पाप का स्वभाव बुरी यानी कि हानिकारक स्थिति है। पाप को मन में कभी ना बसने देना। मनुष्य शरीर की अपेक्षा जीभ से और जीभ की अपेक्षा आँखों से और आँखों की अपेक्षा मन से अधिक पाप करता है। जब तक इंद्रियां पाप करने की आदि हैं तब तक भक्ति रस मिल नहीं सकता। इंद्रियों की गगरी में भक्ति रस भरना है तो पहले उसे निष्पाप करो। यदि पानी से भरे हुए घड़े में दूध भरना है तो पानी को पहले उसमें से रिक्त करना होगा, पानी को हटाना होगा। यदि उस बर्तन में गंदा पानी भरा है तो पहले गंदा पानी निकालो, उसके बाद उसमें अच्छा पानी भर सकते हो। अभी जो पापी व्यक्ति कई बार हमें सुखी दिखता है और जो अच्छा व्यक्ति वो दुखी दिखता है, इसके पीछे मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूँगी क्योंकि बहुत अच्छी कहानी होती है, इनसे बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। मित्रों, दो मित्र होते हैं, एक सज्जन होता है एक दुर्जन होता है, और दोनों बहुत अच्छे मित्र होते हैं, दोनों साथ में रहते हैं, किंतु दिन भर उनकी प्रक्रियाएं सारी अलग होती हैं पर हाँ रात को हमेशा साथ में रहते हैं। तो एक बार क्या होता है कि जो सज्जन होता है ना उसके पैर में कांटा चुभ जाता है और रात को जब वो घर आता है तो कराहते हुए लंगड़ाते हुए पैर ठीक से वो रख नहीं पा रहा है और वो उसको पीड़ा हो रही है, दुखते हुए घर पहुंचता है। और थोड़ी देर बाद वो दुर्जन भी आ जाता है। दुर्जन के साथ एक बड़ा सा उसके पास हंडा होता है जिसमें उसको सारे जो रत्न हैं, ज्वेलरी है वगैरह, उसको मतलब खजाना गढ़ा हुआ मिलता है और वो लेके आता है। और वो सज्जन को कहता है, अरे यार तू इतने अच्छे अच्छे काम करता है फिर भी देख तेरे को कांटा लगता है, तेरे साथ क्या क्या बुरा बुरा होता रहता है, और देख मैं मस्ती करता हूँ, मौज मस्ती करता हूँ, जो करना मन करता वो करता हूँ, सारे बुरे कर्म मैं कर लेता हूँ फिर भी मुझे देख क्या मिला। तो इस बार जरा सज्जन के मन में चुभ गई और वो सज्जन जो है अगले दिन अपने गुरुजी के पास जाता और कहता है, गुरुजी मेरा मित्र ऐसा ऐसे काम करता है, मैं ऐसे काम करता हूँ, हमारे कामों में इतना बड़ा भेद है, फिर भी मेरे साथ मेरे पैर में कांटा चुभा, मेरे साथ इतना बुरा होता रहता है और उसको सब चीज़ अच्छी अच्छी मिलती है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा, मैं सामान्यतः भी रोगी रहता हूँ, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा और उसको कल ऐसे ऐसे खजाना मिला। तो गुरुजी ने कहा, कल अपने मित्र को लेकर आ जाना, मैं दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगले दिन वो दुर्जन और सज्जन दोनों गुरुजी के पास पहुँचते हैं। गुरुजी दोनों को आसन देते हैं और कहते हैं कि आप दोनों बैठे जाओ। बैठा दिया और बोलते हैं, जो दिखाई दे आंखें बंद करो, जो दिखाई दे वो देखो, हमें कुछ प्रसारित नहीं करना, आपको जो दिखाई दे वो देखो।
तो दोनों ने आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद दोनों ने आंखें खोली। तो पहले सज्जन से पूछा कि पुत्र तुमने क्या देखा, क्योंकि उसका उनका शिष्य है। तो पहले उससे पूछा कि पुत्र तुमने क्या देखा। उसने कहा, गुरुजी मैंने देखा कि मैंने किसी गाय की हत्या की है, मैंने गाय को मारा है, मुझे फांसी की सजा हो रही है। फांसी की सजा, पैर में कांटा लगाया और फांसी की सजा हो रही है। तो ठीक है, सज्जन ने कह दिया। अब दुर्जन से पूछा, बोले आपने क्या देखा। बोले मैंने देखा कि मैं कहीं का राजा बनने जा रहा हूँ, मेरा राज्याभिषेक हो रहा है और मैं राजा बनूँ, मेरा प्रांत बहुत समृद्ध है। तो गुरुजी ने कहा, ये आप दोनों का वर्तमान समय की स्थिति है। यदि आप यदि पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से होते तो आज आपकी स्थिति ये होती। अर्थात जो सज्जन था ना, उसने कहीं गौ हत्या की थी तो उसके दंड के रूप में उसको फांसी की सजा होनी थी, जो कांटा लग के निकल गई है, ठीक है। और जो दुर्जन था वो इतना सज्जन व्यक्ति था, वो इतना महान व्यक्ति था कि उसको इस जन्म में चक्रवर्ती सम्राट बनना था, राजा बनना था, उसको समृद्ध राज का राजा बनना था, और इस जन्म के कर्मों के कारण उसको केवल उस छोटे से खजाने से संतोष करना पड़ा। अब आप बताइए किसका दोष है, कौन ऐसे हमें दिखता है। जो पापी दिखते हैं ना कि पापी हैं और इनको सब कुछ मिल रहा है, वो इसी रूप में मिलता है। क्योंकि तुरंत का तुरंत सब कुछ नहीं होता है, पर हाँ आगे जाके उनको इसी जीवन में कष्ट तो होता ही है। कि जो कर्म आप कर रहे हो, जो दुर्जन जो कर्म कर रहा है, उसके उस समय परिणाम आते हैं, स्वास्थ्य पर मिलते हैं और जो तनाव होता है उसमें भी मिलते हैं, किंतु वो उसको गिनता नहीं, क्योंकि उसके पास सामग्री साधन इतने होते हैं कि उसको लगता नहीं है वैसा। तो ये बातें ऐसी हैं मित्रों, तो ये समझने जैसी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। आत्मा और इंद्रियां इतनी एकाकार हो जाती हैं कि इंद्रियों का पाप आत्मा देख नहीं पाता। मन में पाप का विचार आते ही उसे निकाल बाहर करो। यदि पाप को भी पाप हो भी जाए तो बड़ी नम्रता से भगवान के सामने क्षमा याचना करो। अघासुर अजगर का रूप लेकर आता है और असावधान व्यक्ति को निगल जाता है। औरों की निंदा काना फूसी जैसा कोई पाप करना नहीं है। मनुष्य अपने को ही सुधारने में रहता है, फिर चाहे औरों की कितनी भी हानि होती हो। सुधारने का मतलब यहाँ क्या है कि भौतिक सुख साधन जो है ना, उनको ही बसाने में रहता है, अपने भौतिक सुख साधन, यानी कि पाप के द्वारा जो भौतिक सुख साधन बसाता है ना, वो उसकी बात करें। सुधारने का मतलब ये नहीं कि वो विचारों को सुधार रहा है ना, भौतिक सुख साधन को बना रहा है। इसलिए कहा गया कि फिर चारों ओर कितनी भी हानि होती हो और वह इस पाप का हिस्सा बन जाता है। मतलब वो पाप करके भी अपने आप को सुधारने की, समृद्ध रहने की, भौतिक रूप से समृद्ध बनाने का प्रयास करता है। आगे बढ़ते हैं। यदि पाप तुम्हारे शरीर और मन में एक बार घुस गया तो तुम्हें छोड़ेगा ही नहीं। जिसके घर में मन में पाप आ बसता है, उसके घर में मन में परमात्मा कभी नहीं आते हैं। जानबूझकर पाप करने वाला, पाप में सुख मानने वाला, पाप ही में रमराण रहने वाला ही अघासुर है। पाप के बिना रहा ना जाए तो भगवान को साक्षी में रखना, वे तुम्हें बचाएंगे। यदि भी यह नियम कनिष्ठ है, उत्तम बात तो यही है कि पाप करने का विचार ही त्याग दिया जाए। बिना भोगे हुए जिसका नाश नहीं हो सकता वह पाप है। पुण्य को बिना भोगे भी नष्ट हो जाते हैं। पुण्य भोगने के लिए जो जन्म लेना पड़ता है, साधु संतों को भी पुण्य तो अंत में कृष्णार्पण ही करना पड़ता है। पुण्य कृष्णार्पण किया जाता है, पाप नहीं। पाप का दंड तो स्वयं ही भुगतना पड़ता है। मित्रों यहाँ एक बात और जान लीजिए कि हम जो भी कर्म करते हैं, हम अपने जीवन में क्या करते हैं, पाप कर्म भूल जाते हैं, पुण्य कर्म याद रखते हैं, मैंने इसका भला किया, उसका भला किया, लेकिन क्या भूल हुई, क्या अपराध हुआ, हम भूल जाते हैं। ओके, पर उस अपराध के मूल में, जैसे मैंने पहले पिछले अंकों में आपको एक कहानी सुनाई थी नगर सेठ की, उसके यहाँ एक सन्यासी आते हैं और वो सन्यासी को भोजन कराता है और उनको भंडारा करने की इच्छा होती है। आपने भी कथा पूरी सुनी तो अपने कहानी सुनी होगी। तो जो नगर सेठ जो है ना, वो जो लठिया में से, जो सन्यासी की लठिया में से पूरे स्वर्ण मुद्राएं निकाल लेता है, वो किसी को पता नहीं होती हैं, तो उसका पाप छुपा होता है। पर उसके परिणाम स्वरूप उसका जो व्यापार बढ़ता है, वो जो उससे दान पुण्य करता है, मूल कहाँ से आया उसको समझिए। यदि मूल नहीं होता तो आगे काम नहीं होता। तो ऐसी अवस्था में पाप की कमाई से किया गया पुण्य भी धूमिल हो जाता है। एक आदमी ने अपनी पुत्री को एक वृद्ध व्यक्ति से उसका विवाह कर दिया। 18 साल की कन्या का विवाह उसने 75 साल के पुरुष से कर दिया और उसने उसको करीब 20,000 में बेच दिया। अब उससे उसने भंडारा करवाया कि भाई 10% का भंडारा करवा देता हूँ और बाकी मैं अपने जीवन में यूज कर लूँगा। तो ये भंडारे का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आपने पुत्री बेची है।
तो उसकी जो आत्मा कलुषित होगी, दुखी होगी, वो आपको कभी शांति से जीने नहीं देगी। तो इस प्रकार से जो धन कमा के लोग कई बार करते हैं ना, वो बहुत बड़े पतन का कारण बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिना भोगे हुए जिसका नाश नहीं हो सकता वह पाप है। आगे, किसी महापुरुष सुपात्र साधु संत की कृपा होने पर ही पाप की वासना नष्ट हो पाती है। कई बार तो अंतरात्मा की अनिच्छा होने पर भी पाप हो जाता है। गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक सनातन प्रश्न पूछा है, अथ केन प्रयुक्तय पापम चरति पुरुषः अनिच्छामपि वर्षणेय बलादिव नियोजितः। अर्थात अनिच्छा होने पर भी जीव पाप में क्यों प्रवृत्त होता है, वह पाप क्यों करता है, इच्छा ना होने पर भी उसे पाप क्यों करने पड़ते हैं। भगवान कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। अर्थात रजोगुण में से उत्पन्न हुए काम और क्रोध मनुष्य के शत्रु हैं, वे ही उसे पाप की ओर घसीटते हैं। मतलब जब हम कुछ चाहते हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं हमारी कि मुझे ऐसा चाहिए, अब ऐसा चाहिए उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, बस वही तो गड़बड़ होती है। पर ऐसा मुझे चाहिए क्यों है, हम इस पर विचार नहीं करते। हमें चाहिए मतलब चाहिए, जैसे मुझे किसी घड़ी अच्छी लगी, मुझे वो घड़ी चाहिए। अब मेरे पास घड़ी लेने के दो तरीके हैं, या तो मैं कमा कर लूँ या उसकी उठा लूँ, और कोई मुझे गिफ्ट दे दे, पर गिफ्ट कोई मुझे देगा क्यों, तो ये तो मैं उठाऊंगी या कमाऊंगी। अब कमाने के लिए उतनी मेहनत करनी, उसमें भी हम कई बार धन कमाने के लिए भी कई बार गड़बड़ियां करते हैं, वो तो ऐसी बातें हैं ये। आगे बढ़ते हैं। ताली बजाते हुए बालक पहले नाद ब्रह्म में लीन हुए और बाद में उनका मन परब्रह्म से जा मिला। वैसे तो सभी बालक सारे दिन की लीला अपनी माताओं को उसी दिन सुनाते थे, मतलब आज दिन में क्या किया वो घर में अपने आके माताओं को सुनाते थे, किंतु इस अघासुर वध का प्रसंग एक वर्ष बाद सुनाया। अर्थात कृष्ण ने अपने पांचवें वर्ष में अघासुर का वध किया था, किंतु बात छठे वर्ष में बतलाई गई। अब ये कहानी थोड़ी लंबी चलेगी, छठे वर्ष में क्यों बतलाएगी ये अगले अंक में भी क्लियर होगा, अगले अंक में जाके क्लियर होगा, पर ये आपको याद रखना होगा कि हाँ ये हुआ था। परीक्षित राजा ने पूछा, उन बालकों ने ऐसा क्यों किया, एक वर्ष तक छुपाए रखने का कारण क्या था। परीक्षित के इस प्रश्न से सुखदेव जी को उस प्रसंग का, उस रहस्यमय लीला का स्मरण हो आया। वे समाधि में लीन हो गए। कुछ देर बाद धीरे धीरे जब ब्रह्म दृष्टि समाप्त हुई तो कहने लगे, सुनो राजन, ब्रह्मा ने उन गोप बालकों का अपहरण किया था, वहां से वे एक वर्ष बाद लौटे, सो एक वर्ष बाद वे अपनी सारी बात बता पाए। सुखदेव जी ने 13वें और 14वें अध्याय में विस्तार से समझाया है, इसकी कथा बाद में आएगी। भगवान चारों प्रकार से रास खेलते हैं, उनका नाम ही रस है। रसो वै सह, परमात्मा दिव्य रस रूप है, उनके साथ मिलना रास है। रास का अर्थ है ब्रह्म से मिलन, रास का अर्थ है कृष्ण संबंध। कृष्ण से संबंध जीव जब ईश्वर के साथ एक हो पाता है तभी कृतार्थ हो पाता है। गोकुल की गायों की इच्छा थी कि वे प्रभु के साथ एक बने, अब यह कैसे हो पाएगा, तो उन्होंने इच्छा की कि जिस प्रकार बछड़े उनका दूध पीते हैं उसी प्रकार कृष्ण भी पिए। प्रभु ने उनकी इच्छा पूरी की, इस अध्याय में गायरस वर्णित है। मतलब गायों की इच्छा ये थी कि भाई जैसे बछड़े दूध पीते हैं वैसे आप पियो, क्यों श्री कृष्ण। और ये गोपियों की भी इच्छा थी, जैसे मेरे बालक मेरे साथ रहते हैं वैसे आप हमारे घर में आके रहो। कितनी बड़ी बात है। अब कृष्ण अपने रूप में तो जाके रह नहीं सकते, आगे बात करते हैं। गोकुल की वृद्धाओं की इच्छा थी कन्हैया को लाड़ प्यार करें, दुलार करें, वे सब लाला को मन से मिलना चाहती थी। मानसिक मिलन भी आनंददायी है, किंतु फिर भी प्रत्यक्ष मिलने की उत्कंठा बनी रहती है। इस अध्याय में वृद्धा गोपियों का रास वर्णित है। अघासुर के उदर में से सभी गोप बालक और बछड़े बाहर आए। बालकों ने कन्हैया से भोजन करने की इच्छा प्रकट की तो कन्हैया ने कहा, हाँ चलो यमुना के किनारे, इस सुंदर किनारे पर हम पंक्ति लगाकर भोजन करें और ये बछड़े भी हमारी हरी घास चरते रहेंगे। मतलब वो बछड़े चराने जा रहे हैं, अभी गाय चराने नहीं जा रहे हैं, तो बछड़े भी घास चरते रहेंगे और हम भी वहाँ पंक्ति बना के भोजन कर लेंगे। कन्हैया और सभी बालक एक साथ मिलकर पद्म व्यूह चक्रव्यूह रचकर भोजन करने बैठ गए, मतलब गोल सर्कल बना के बैठ गए। यह समाधि भाषा है। कमल की पंखुड़ियाँ बिल्कुल पास पास होती हैं, एक प्रकार
एक दूसरे से एकदम सटी हुई। कमल के मध्य में कोमल पदार्थ होता है और छोटी छोटी पंखुड़ियाँ भी होती हैं। बड़ी पंखुड़ियाँ उन छोटी पंखुड़ियों से लगकर होती हैं। सभी बालकों की इच्छा श्री कृष्ण में से लगकर बैठने की है। सभी अपने अपने घर की सामग्री कन्हैया को खिलाना चाहते हैं। सभी कन्हैया के मुख में कौर रखना चाहते हैं। दूर बैठकर तो वे ऐसा नहीं कर सकते और ऐसा नहीं किया जा सकता, इसलिए श्री कृष्ण ने बीचों बीच बैठकर सभी बालकों के मन की इच्छा पूरी की। रासलीला में सभी प्रत्येक गोपी को वैसा ही अनुभव कराया, वे अभी उसी के साथ हैं। मतलब कृष्ण ने यह अनुभव सबको कराया कि जितनी गोपियां उतने कृष्ण थे, ये वही बात है। प्रत्येक गोप बालक और गोपी को कृष्ण ने के सानिधि का स्पर्श और अनुभव कराया। ईश्वर के सामीप्य के बिना शांति नहीं मिलती, ब्रह्म स्पर्श के बिना आनंद नहीं आता। प्रेम इतना शक्तिशाली है कि निरंकार को भी साकार बना देता है, निष्काम ईश्वर को भी प्रेम के कारण सकाम बना देता है। मतलब ईश्वर को तो कुछ नहीं चाहिए, वो निष्काम है, उनका रूप नहीं है, लेकिन जब भक्ति होती है तो सब। कहा ना, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप जिस रूप में मुझे चाहोगे मैं उसी रूप में तुम्हें मिलूंगा, वो बड़ी बात है, तो सिद्ध है वो सारी बातें। कन्हैया अपने मित्रों को समझाता है, कभी अकेले ना खाना, अकेले खाने वाला बिल्ली बनता है, चोरी छुपे खाने वाला पशुधन, चोरी छुपे अकेले में खाना पशु धर्म है, मतलब पशु अकेले में खाते हैं, अकेले कभी ना खाया जाए। ईश्वर सभी को समान आनंद देते हैं, मनुष्य विषमता देता है, विषमता बनाए रखता है। ईश्वर सुपात्र जीव को इतना तो देते हैं कि लेने वाला लेते लेते थक जाए। यंग और श्रृंग हो सकता है, इनके अर्थ नहीं पता है मुझे, इसलिए कह नहीं सकती मैं। ईश्वर यज्ञ का भुक्ता है, यज्ञ में आह्वान करने पर कई बार जो ईश्वर भोजन नहीं करते हैं वही आज गोप बालकों के हाथ में से भोजन कर रहे हैं। आप सोचिए कौन खा रहा है गोप बालकों के हाथ से। परमात्मा को वश में करने का सर्वोत्तम साधन प्रेम है। भगवान को उत्तम उत्तम वस्तु दी जाए और वैसे ही वस्तु की भक्ति, एक ही वस्तु ऐसी है जो भगवान को दी है, वो है भक्ति। भक्ति भी शुद्ध प्रेम भाव है। कोई बालक जलेबी लाया था तो कोई बर्फी लाया था, कोई दही बड़ा, सभी बालक मिलकर खा रहे हैं। भोजन के समय विनोद करना चाहिए, आनंद करना चाहिए। कन्हैया ने कहा, अजी इसकी माँ दही बड़े सी गोल मटोल है और बाप दुबला पतला है। सभी हंस पड़े। इस प्रकार कन्हैया और बालक आनंद प्रमोद करते हुए भोजन कर रहे थे और एक दूसरे को खिला रहे थे। जीव जब अपनापन, जीवत्व, अभिमान छोड़कर परमात्मा से प्रेम करने लगता है तब ईश्वर भी अपना ईश्वरत्व छोड़कर जीव के साथ खेलने लग जाते हैं। अभिमानी जीव अपने को शास्त्री, पंडित, ज्ञानी मानता है, वह भगवान को भी ललकारने लगता है। भगवान कहते हैं, यदि इस जीव को मुझसे कुछ नहीं लेना देना तो मैं उसका ध्यान क्यों रखूँ। यदि परमात्मा को प्रसन्न करना है तो बालक बनकर उसके पास जाओ। गोप बालकों के साथ भोजन करते हुए भगवान की शोभा देखी। कैसी शोभा है उसको वर्णन किया जा रहा है कि उस समय श्री कृष्ण की छटा सबसे निराली थी। उनकी कमर में बांसुरी बंधी हुई थी, क्योंकि जब वो बजाते नहीं थे तो कमर में खोस लेते थे। बगल में सिंह की लकड़ी थी, बाएं हाथ में घी युक्त दही मिले हुए चावल का ग्रास था, उंगलियों में फल का अचार था। चारों ओर गोप बालक बैठे हुए थे, सभी के मध्य वे बैठकर सभी बालकों के साथ विनोद करते हुए भोजन कर रहे थे। स्वर्ग के देवता भी इस अद्भुत लीला को देखकर आश्चर्य कर रहे थे। इस लीला को देख मन में देखकर आनंद करो। वृंदावन यमुना का किनारा, फलों से झुके हुए वृक्षों की छटा, नीचे बैठे हुए कृष्ण और गोप बालक आदि की मन में कल्पना करोगे तो आनंद मिलेगा। बड़ा ही मधुर, आप खाली कल्पना करके देखिए कि भरपूर हरियाली है, नदी के किनारे पे बैठे हुए हैं, पेड़ों की छांव है, कदम का पेड़ है, पेड़ों की छैया, उसके नीचे बालक बैठे हुए हैं और वो भोजन कर रहे हैं। मंद मंद व्यार आ रही है, मंद मंद पवन बह रही है, और ये हाथ में भी देखना चाहो तो हाथ में बोदा है ना कि दही चावल है और अचार है फलों के, और मतलब जो भिन्न चीज़ें बताई हैं कल्पना करके देखो, कल्पना ही मन को एकदम आनंदित कर देती है। तो ये श्री कृष्ण की कल्पना है, तो आनंद तो होना ही है। आगे बढ़ते हैं।
सच्चा वैष्णव मन से हमेशा वृंदावन में ही रहता है। तन चाहे जहाँ भी हो, मन तो वृंदावन में ही होना चाहिए। भावना भक्ति को सफल करती है। खाना कोई पाप नहीं है। भोजन के लिए तो भगवान ने ये सारे खाद्य पदार्थ उत्पन्न किए हैं, किंतु भगवान को भुलाकर भगवान को अर्पण किए बिना भोजन करना पाप है। कई लोग कहते हैं कि आज तो उनका एकादशी का उपवास है, किंतु अकेले में ढेर सारा कुछ भी खा लेते हैं। खाना नहीं, किसी से छुपकर खाना, चोरी छुपे खाना पाप है, और ये भूल मैंने बचपन में की है। ये इसलिए मान लेती हूँ मित्रों कि मानने से अपने अंदर में कुछ चीज़ें हल्की हो जाती हैं, और जितने अधिक लोगों के सामने मान लेते हैं ना, उतना मन अपने भीतर से, क्योंकि वो भूल थी, जानबूझ के नहीं, वो भूल थी। भूल क्या थी कि कभी कुछ खाने का मन किया, क्योंकि मैं बचपन में जब छोटी थी ना, तो मुझे खाने की पीने की चीज़ों का बहुत मन करता था, और कभी कभी वो घर में चीज़ बन नहीं पाती थी, तो माँ घर में नहीं होती तो मैं बना के कई बार खा लेती थी। भोजन बना तो बहुत जल्दी सीख लिया था, तो ऐसी अवस्था में वो चीज़ें होती थी, मैं करती थी, तो वो मैं आपके सामने स्वीकार करूँ कि हाँ मैंने ऐसी भूलें की हैं। पर ये सारी भूलें जो मेरे से हुई हैं ना मित्रों, ये अधिकांश कम उम्र में हुई हैं, मतलब 13-14 साल तक ही मैंने सारी भूलें करके निपटा लिया है, और उसके बाद वो फिर चोरी छुपे वाली भावना नहीं रही थी। हाँ, बन गया है, क्योंकि उस समय क्या बना के ख़त्म करके बर्तन साफ करके रख देती थी। उसके बाद ऐसी स्थिति नहीं रही थी, खाना है बनाया, औरों को भी खिलाया, खुद भी खाया, पर पहले वो चीज़ नहीं थी। पर उस समय कदाचित अकेली होती थी तो ये कम कर लेती थी, ये वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। अघासुर को जब कन्हैया ने मोक्ष दिया तब ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। वे इधर देखते हुए देखने के लिए आए कि कन्हैया कौन है। यहाँ आकर देखा तो कन्हैया तो को गोप बालकों के साथ भोजन करते हुए पाया। इन ब्रज बालकों से एक में से एक था ऋषि शांडिल्य का पुत्र मधुमंगल। मधुमंगल की कहानी हम पहले आई थी कि जब वो दुबला पतला तो कहता कि भाई माखन खाया करो, तो कहते कि हमारी तरह तगड़ा हो जाए, श्री कृष्ण कहते, तो कहते हम तो निर्धन हैं, हम नहीं खा सकते, तभी तो शुरुआत हुई थी कमा के खाने की। आगे बढ़ते हैं। उससे कन्हैया ने कहा, तू हमारे घर का तो खाता है किंतु अपने घर से हमें कुछ नहीं खिलाता। पवित्र ब्राह्मणों के घर का भोजन खाने से बुद्धि पवित्र होती है, इसी कारण से कन्हैया ने मधुमंगल के घर का भोजन खाना चाहा। यशोदा जी ने शांडिल्य ऋषि से कहा था कि मधुमंगल को रोज भोजन करने देना। यशोदा जी उसका बड़ा आदर करती थी, सो आज कन्हैया उस ऋषि पुत्र से कह रहा था, तू रोज मेरे घर आता है, आज मुझे तू अपने घर का खिला, मतलब तू मेरे घर का रोज खाता है ना, आज मुझे अपने घर का खिला, मुझे आज तेरे घर का खाना है। अब क्या हुआ, मधुमंगल दौड़ते हुए अपने घर आकर अपनी माता पूर्णमासी से कहता है। माता को बड़ा आनंद हुआ, किंतु अभी तक कोई रसोई बनाई नहीं थी, क्योंकि पति पत्नी इतने निर्धन थे, शांडिल्य ऋषि और उनकी पत्नी, क्योंकि ये कहते ना जिनकी कोई इच्छा नहीं होती है, कई बार उनकी ऐसी स्थिति होती है। शांडिल्य ऋषि ब्रह्म मुहूर्त में शौच सैया त्याग करते थे, किंतु उनका नित्य कर्म रात्रि के 8 बजे समाप्त होता था। प्रातः काल में वे गायत्री मंत्र की 24 माला फेरते, पंचायत देवों की पूजा, पंचदेवों का अभिषेक, विश्वदेव यज्ञ, होम, मध्यान्ह संध्या, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, भगवत पाठ और अंत में भगवान के नामों की 21 माला का जाप। इतना सब करते करते सांझ ढल जाती। इस तपस्वी ब्राह्मण को खाने तक का समय ना मिलता था, सो वे रात्रि के समय फलाहार करते थे। एक बार भजनानंद मिला नहीं कि फिर भोजन आनंद सांसारिक सुख सब नीरस लगने लग जाते हैं। हमारे जीव को भजन में आनंद नहीं मिलता है, सो अन्य विषयों में वह आनंद खोजता रहता है। ब्राह्मण अवतार तप करने के लिए है, विलासी जीवन जीने के लिए नहीं है। भगवान यदि चाहते हैं तो ब्राह्मण विलासी हो जाए, भगवान नहीं चाहते कि ब्राह्मण विलासी हो जाए। वैश्य और क्षत्रिय का विलास कुछ अंशों में क्षम्य है, किंतु ब्राह्मण का विलास अक्षम्य है। यदि अंतकाल तक ब्राह्मण पवित्र रहे, विलास की कामना तक ना करे, तो भगवान उसे दिव्य आनंद देते हैं। पतिव्रता का धर्म है कि जब तक पति ने भोजन ना किया हो तब तक वह भोजन ना करे। शांडिल्य और पूर्णमासी अत्यंत पवित्र थे। पूर्णमासी भी पति के साथ ही फलाहार करती थी। उनका एकमात्र पुत्र मधुमंगल जो यशोदा के घर भोजन कर लेता, अतः पूर्णमासी कभी रसोई बनाती ही नहीं थी। यदि स्त्री अपने पति के प्रति ईश्वरत्व का अनुभव करती है तो ईश्वर का भाव नहीं करती, तो यह पत्थर की मूर्ति में भी भगवान कहाँ मिलेंगे। मतलब अब यहाँ बात एक ही समझ लीजिए कि इसमें जितने भी चरित्र बताए गए हैं पतियों के, जिनका अनुसरण पत्नी कर रही है, उन सब पतियों की एक विशेषता है कि उन्होंने कभी किसी पराई स्त्री की तरफ दृष्टि नहीं की है। यदि पति ऐसा मिल जाए
तो मैंने देखा कि अधिकांश पत्नियां उनका साथ आजीवन देती हैं, भले किसी भी अवस्था में हो। ये सुदामा की पत्नी ने भी कभी सुदामा से कुछ मांग नहीं की थी। हाँ, जब बच्चों की स्थिति नहीं सही तो सुदामा की पत्नी ने कहा कि अपने मित्र के पास जाओ, लेकिन वो सुदामा का साथ निरंतर देती थी, कभी कुछ नहीं कहा। और हमने जो एक कहानी और पढ़ी थी, नाम भूल गई पात्रों के, कि जिसने 36 वर्ष अपने पति की सेवा की और कभी पति ने देखा नहीं था। तो यदि पति दूसरी स्त्री की तरफ ध्यान नहीं देता तो पत्नी को कभी कोई आपत्ति नहीं थी, पति जो करता वो उसमें साथ देती है। हमेशा पत्नी ऐसा करती है, अधिकांश तो करती हैं। कुछ होती हैं वो धुंधली जैसी, जो आरंभ में कथा थी, तो धुंधली जैसी का तो कुछ किया ही नहीं जा सकता, तो धुंधली है फिर। तो आगे बढ़ते हैं। जीवन की आवश्यकताओं के घटने बढ़ने के साथ साथ पाप पुण्य कम और अधिक होते हैं। चाहिए का अर्थ अंत होता है, अंत नहीं है, मतलब हमें जो चीज़ चाहिए, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, ये अंतहीन है। चाहिए का कोई अंत नहीं आता है। सो अपनी स्वभाव को अपनी आवश्यकता के अनुसार कम करते रहो, यानी कि अपनी आवश्यकता और स्वभाव को थोड़ा सुधारो, जिससे आवश्यकताएं धीरे धीरे कम हो जाएं। निश्चय करो कि मुझे भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। पवित्र ब्राह्मण अपने घर में किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करता। अब पूर्णमासी के घर में तो कुछ भी नहीं था, घर में देखा तो बस थोड़ी सी छाछ रखी थी, खट्टी होगी तो कन्हैया को भाएगी या नहीं पता नहीं। ऐसा सोचकर उसकी माँ ने कढ़ी बनाई। मधुमंगल ने कहा, मुझे गरीब ब्राह्मण के घर में और कुछ नहीं है, बस यही देना है। परमात्मा कभी यह नहीं देखते कि जीव उसे क्या, उसके लिए क्या लाया है, ये तो मात्र इतना देखता है किस भाव से लाया है। ईश्वर केवल भाव देखते हैं। वस्तु को देखने वाला जीव है और भाव देखने वाला भगवान है। भगवान को हमेशा सर्वोत्तम वस्तु का ही भोग लगाओ। मधुमंगल वह छाछ लेकर आया। अन्य सभी बालक तो भांति भांति की मिठाई लाए थे, किंतु मधुमंगल ऐसी छाछ देते हुए शर्माने लगा। छाछ मतलब कढ़ी जो बनाई थी। उसने विचार किया कि ऐसी छाछ कन्हैया को दूंगा तो मेरा सारा जन्म ऐसी खट्टी छाछ पीनी पड़ेगी, मतलब कन्हैया को दी तो सारा जन्म ऐसी खट्टी छाछ पीनी पड़ेगी, नहीं पीनी मुझे। वे कहकर कन्हैया उपहास करेगा और मेरी माँ खट्टी 600 खट्टी छाछ ही देगी, ऐसा जैसे वो दही बड़ा लाया था उसने कहा था ना माँ मोटी है वैसा। ऐसा सोचकर मधुमंगल स्वयं ही छाछ पीने लगा। भगवान की दृष्टि उस पर पड़ी। अरे मधुमंगल, तेरी माँ ने यह कढ़ी मेरे लिए भेजी है और तू मुझे देने के स्थान पर अकेले पिए जा रहा है। मेरी मौसी पूर्णमासी ने यह मेरे लिए बड़े प्यार से भेजी है, मुझे भी पीने दो। मधुमंगल जल्दी जल्दी पीने लगा। कन्हैया झपट कर उसके पास आया और मटकी अपने हाथ में ले ली, किंतु वह खाली हो गई थी। अब कन्हैया ने देखा कि मधुमंगल के मुंह पर थोड़ी सी छाछ यानी कि कड़ी लगी हुई है, तो उसका मुंह चाटने लगे। यह सब चल रहा था कि उसी समय ब्रह्मा जी का वहां आगमन हुआ। कन्हैया कह रहा था, मधुमंगल तेरे पिता तपस्वी ब्राह्मण हैं, सो तेरी झूठी छाछ मेरी बुद्धि सुधारेगी। मतलब कन्हैया को ने कह दिया कि तेरे पिता ब्राह्मण हैं। अब कहा ना, जिसके लिए दही बड़ा के लिए बोला उसकी माँ थोड़ा संसारी है तो उनका विनोद का चल जाता है, पर जो तपस्वी है उनका विनोद कभी नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर कभी व्यंग बाण नहीं करने चाहिए। किंतु संसार के लोग क्या करते हैं, जो गरीब निर्धन इस टाइप के लोग दिखते हैं ना, सुधामा पर भी कितने व्यंग बाण कसे जाते थे, तो उनका व्यंग बाण बनाते हैं, और जो उनको जरा भी संपन्न लगते हैं उनके साथ तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, ये उल्टा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण बालक के साथ, बालक भोगों के भोगी के साथ भोगी, योगी के साथ योगी और ज्ञानी के साथ ज्ञानी हैं। बालक ब्रह्म ज्ञान की बातें समझ नहीं सकते हैं, अतः वे उनका मन खाने पीने की बातें, माखन चोरी लीला आदि से हरते हैं। वे बालकों के मित्र बनकर अनायास ही ब्रह्म सुख का अनुभव कराते हैं। कन्हैया को मधुमंगल का मुंह चाटते पाए तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, यह कैसा भगवान है, लोग श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं और यह तो गोप बालकों के मुँह को चाटता फिरता है, ईश्वर कभी ऐसा हो सकता है क्या? ब्रह्मा जी को इस बात में थोड़ी असमंजस हो जाते हैं, वो असमंजस में डूब जाते हैं। तो आगे की असमंजस क्या होती है, उसका परिणाम क्या था, ब्रह्मा जी फिर क्या करते हैं, ये हम अगले अंक में पढ़ेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, जय श्री कृष्ण मित्रों। और हाँ, एक बात और बता दूँ, आप यदि किसी प्रकार से कोई प्रश्न करना चाहते हैं, कुछ आध्यात्मिक प्रश्न है, तो प्रश्न करिए, कदाचित तो हम उत्तर देने में सक्षम हो पाए, क्योंकि ऊपर वाला जब प्रश्न आते हैं तो उत्तर अपने आप देने के लिए प्रेरित करता है। तो आपसे भी अनुरोध है। धन्यवाद। वंदे मातरम।